प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एल वेंकटेश्वर लू बांदा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एक देश एक चुनाव पर भी यूपी मुख्य निर्वाचन आयुक्त एल वेंकटेश्वर लू ने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि वो कभी इसके सामाजिक, व्यवहारिक और ऐतिहासिक पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं और वो अभी इसमें कोई स्पष्ट राय नहीं दे सकते। देखो, ये तो अभी बहुत बड़े लेवल पे बात हो रही है। आप उसकी, देखो, मुझे उसका पूरी गहराई से विश्लेषण करना पड़ेगा, तो करके वो बड़े लोग उस पर बात करेंगे। अभी जो हर एक व्यक्ति हर एक चीज पे बोलने लग जाए, ये ठीक है, एक्सपर्ट है उसमें, आप पोर्टफोलियो में भी है। नहीं, लेकिन वो जो है उसकी अभी बड़ी हायर लेवल पे गहराई से छानबीन होगा कि ऐसे ऑफ हैंड ऐसे बोलेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। आप पक्ष में बिंदुओं को लीगल और व्यवहारिक, आप सब लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे चलता है, ऐतिहासिक और सारे पहलुओं पर देख के उसमें व्यवस्था, बड़े लोग बोलेंगे उस पर, हमें बोलना ठीक नहीं होगा। वही बांदा दौरे के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त एल वेंकटेश्वर लू ने जल संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें कि कुआं तालाब जियाओ अभियान के तहत नवाब टैंक तालाब में 51,000 दीयों का दीप दान कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। एल वेंकटेश्वर लू ने भी दीप दान कर जल संरक्षण का संदेश दिया। जो हम लोग अपनी ताकत के अनुसार लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करना चाहिए, तो उस समय भी को गहरा करने का, ताकि जो बरसात का पानी को अधिक से अधिक पानी रोका जा सके। इवन खेत तालाब योजना भी व्यापक रूप से चला है अभी भी, और उसमें चल रहा है। डीएम साहब कह रहे थे कि 800 तालाब तो यहाँ का जिले के लिए, उन्होंने 2500 तालाब तक अलाट करा लिया है, क्योंकि यहाँ की जो विशेष समस्या है, वैसे तो बुंदेलखंड में जब भी आपदा की बात होती है, सूखा की बात होता है, सारी इंडिया में बुंदेलखंड की बात होती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बड़ी विकराल सूखा देखा और अक्सर यहाँ पर सूखा की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसकी समाधान जो है एकमात्र तालाब को, हमारे जो पुराने हमारे जो पूर्वज यहाँ की विशेष समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए भी बड़े बड़े तालाब उसको बनवाए थे यहाँ पे, उन तालाबों को पुनरुद्धरण करना है और जो छोटे अभी नए तालाब भी बनवाना है। आपको बता दें कि गर्मी शुरू होते ही बांदा और बुलंदखंड के कई जिलों में पानी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।